डीलिंग रूम्स में डीलर्स ने आज एक स्टॉक में खरीदारी कराई तो दूसरे में दी बिकवाली की सलाह। चलिए जानते हैं कि डीलर्स ने किन स्टॉक्स पर खेला दाव। बाजार में 6 जनवरी को तीसरे दिन लगातार तेज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 453 अंक गिरकर 59,900 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 133 अंक गिरकर 17,859 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 420 अंक फिसलकर 42,189 पर बंद हुआ। मिड कैप भी 241 अंक गिरकर 31,420 पर बंद हुआ। आज ICICI बैंक, TCS, इंफोसिस और HDFC बैंक के शेयरों ने बाजार की मुश्किलें बढ़ाई। इस बीच जेफ्रीज हैवीवेट शेयर रिलायंस पर बुलिश नजर आए। इस पर ब्रोकरेज ने 3100 का टारगेट दिया। सेबी ने शेयर होल्डिंग्स की रिक्लासिफिकेशन को मंजूरी दी। इसके बाद कमजोर बाजार में भी IDBI बैंक 7% से ज्यादा उछला। चलिए जानते हैं कि बाजार के ऐसे माहौल में डीलर्स ने किन शेयरों पर दाव चला है। हैवेल्स डीलर्स का कहना है कि शेयर में घरेलू म्यूचुअल फंड की खरीदारी की वजह से उन्होंने भी इस स्टॉक में खरीदारी करवाई। वहीं डीलर्स को इस स्टॉक में 1250 के पोजिशनल लक्ष्य की उम्मीद है। इसके साथ ही इस स्टॉक में जनवरी सीरीज में ताजा खरीदारी देखने को मिली। इसका ओपन इंटरेस्ट भी 4% बढ़ा। डाबर डीलर्स ने डाबर में बिकवाली करने की सलाह अपने क्लाइंट्स को दी। डीलर्स को इस शेयर में गिरावट की आशंका लगती है। डीलर्स का कहना है कि इस शेयर में 6 जनवरी को नए शॉर्ट बने। इसके अलावा इसका ओपन इंटरेस्ट 14% बढ़ा है। आज डाबर इंडिया के स्टॉक में डीलर्स ने STBT यानी कि आज बेचें और कल खरीदने की सलाह दी है। अब अगर आपने इस स्टॉक को आज बेच दिया है तो इसे खरीद लीजिएगा। उन्होंने कहा है कि इसमें बिकवाली करने पर 525 रुपए के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। बता दें कि CNBC आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक पेश किया जाता है, जिसमें रतिन मोता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दे रहे हैं, डीलर्स ने आज कौन से शेयर्स खरीदे और बेचे हैं, आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं, इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम्स में इन स्टॉक्स पर दाव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में और कितने रुपए तक तेजी नजर आ सकती है, निवेशक किस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं या किस में निवेशकों को बिकवाली करनी चाहिए। बता दें कि यह मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी गई है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की कभी भी यहां सलाह नहीं दी जाती है।